तो प्राची, जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम अब बात कर लें, दिल्ली में तमाम इतने दिनों से खबर सुनने में आ रही है कि जुगाड़ से सरकार बनाने की कवायद चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, आप इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगाती है, कांग्रेस इल्ज़ाम आप पर, आप पार्टी पर लगाती है, और आप बीजेपी पर, कभी कांग्रेस बीजेपी पर। यानी दिल्ली की जो स्थिति है अभी वो संशयपूर्ण है। दिल्ली में जुगाड़ सरकार की कोशिशों के बीच संघ ने भी बीजेपी को कड़ी नसीहत दे दी है। जी हाँ, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जुगाड़ सरकार से गलत संदेश जाएगा। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी है कि पार्टी सत्ता की भूखी ना दिखे। भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दो टूक शब्दों में सलाह दी है कि दिल्ली में जुगाड़ से सरकार बनाना ठीक नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा है कि सरकार बनाने के लिए विधायकों की जोड़ तोड़ ठीक नहीं है, इससे वोटरों में गलत संदेश जाएगा। संघ प्रमुख ने सलाह दी है कि बीजेपी को दिल्ली में बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पहली बार भागवत से मिले। नागपुर में हुई इस मुलाकात में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भी रणनीति पर चर्चा हुई। तो प्राची, जिस तरीके से ये पूरी खबर काफी अहम है और कई संदेश भी दे रही है, इसीलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से इस वक्त। अमरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये तमाम जो आज ये जुगाड़ की राजनीति हो रही है, बात अगर बीजेपी की करें तो कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है, क्योंकि अगर अब संघ प्रमुख नसीहत दे रहे हैं तो यानी बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही थी, जैसे आप आरोप लगा रही है। जी अर्पिता, सही बात कही। अगर कोई बात होगी तभी बात बढ़ेगी। जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अमित शाह को यह सलाह दी है, बल्कि नसीहत दी है कि जुगाड़ की राजनीति ना करें, क्योंकि पिछले काफी समय से दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जो जोड़ तोड़ की कवायद चल रही है उसमें बीजेपी भी आगे है। कांग्रेस ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े लेवल पे सारे नेताओं की वहां परेड हुई है, जो विधायक थे दिल्ली के उनकी परेड हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनसे साठगांठ कर रही है, बीजेपी उनसे प्रलोभन दे रही है सरकार बनाने के लिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास रखती है और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ के लिए आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से मोहन भागवत से पहली मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की हुई थी, और अमित शाह को इतने कड़े तेवरों में मोहन भागवत जी ने कहा कि आप जुगाड़ की राजनीति ना करें, अगर दिल्ली में आपको सरकार बनानी है तो बहुमत के साथ सरकार बनाए, ना कि आप जुगाड़ के साथ। क्योंकि जिस तरह से मोदी के पीएम बनने के बाद एक बीजेपी का एक चेहरा सामने उभर के आया है, एक एनडीए का चेहरा उभर के आया है कि एक साफ सुथरी राजनीति की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में अगर दिल्ली में फिर से जुगाड़ की राजनीति की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होगा और एक सवालिया निशान खड़ा होगा कि सत्ता के लिए बीजेपी कहीं भी जा सकती है। तो मोहन भागवत का सीधा सीधा यही संकेत है कि बीजेपी इन सारी चीजों से बचे, और अगर उनको सरकार बनानी है तो खुल के सामने बात करे, लोगों के बीच में जाए, या तो चुनाव की बात करे, और अगर सरकार बनानी तो बहुमत के साथ आए, कहीं भी जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की बात ना करे। इससे पहले बीजेपी ने, पार्टी ने जो बहुत बड़ा एक स्टैंड लिया था, आम आदमी पार्टी के एक अरविंद केजरीवाल जो मुख्य संयोजक है, उनको 1 करोड़ की मानहानि का दावा किया था, वो भी इसी मुद्दे से मिलता जुलता है। उन्होंने भी जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी ने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया। और मैं आपको बता दूं, पहली बार नागपुर पहुंचे थे अमित शाह, और अमित शाह की मुलाकात पहली बार मोहन भागवत से हुई थी अध्यक्ष बनने के बाद, और इतनी बड़ी डांट कह सकते हैं इसको, बाकायदा डांट कह सकते हैं, क्योंकि आरएसएस वो संगठन है जो कि बीजेपी को हमेशा निर्देश देता आया और उन्हीं निर्देशों पे पालन करके आगे बढ़ती है। तो आरएसएस की तरफ से और मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख है उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा नसीहत स्वयं बीजेपी अध्यक्ष के लिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बैकफुट पे आना होगा और अपनी छवि को साफ रखते हुए इस बात को क्लियर करना होगा कि वो जुगाड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, और जुगाड़ की राजनीति से अगर वो सरकार बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता और वोटरों के बीच में गलत इंप्रेशन जरूर जाएगा। जी अमरिंदर, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, अगर जुगाड़ की जो राजनीति की अगर हम बात करें तो बीजेपी आखिरकार इस तरीके का कदम क्यों उठा रहा है, अगर ऐसी बात सच्चाई है, क्योंकि मोहन भागवत ने ये निर्देश दिए हैं। इसमें सवाल ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर हम बात करें, अभी जो चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी जीत कर आए हैं, क्या कहीं डर है कि जो फैसले लिए गए हैं महंगाई के और तमाम जो दाम बढ़े हैं उनको लेकर अब जो है जो अब फीडबैक आएगा दिल्ली वालों का वो बुरा हो सकता है? जी अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ जो पिछले मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पे सामने देखने को मिलेंगे। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी
के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, उसके बाद वो सरकार छोड़ के भाग गए थे, उसके बाद कांग्रेस भी उनके साथ अब खड़ी नहीं हो रही है, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है उसके बाद, और बीजेपी के सामने एक ऑप्शन पहले भी था और आज भी है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाए, चुनी हुई सरकार लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा बहुमत ना होने की वजह से जुगाड़ की राजनीति का तो फिर चल रहा है, वो कवायद सारी चल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, तीनों लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से, मैं बताऊं, बीजेपी के एक विधायक ने कल ही ये बोला है कि मुझे 24 घंटे दे दीजिए, 24 घंटे में मैं सरकार दूंगा। बीजेपी के पास ऐसे लोगों की अप्रोच है, जो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोगों की अप्रोच है जो हमें समर्थन देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे इसमें भी है और बीजेपी के पास ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें सरकार बनाना है ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि सरकार इस समय कोई है नहीं दिल्ली में, लेकिन ये आरोप बीजेपी के लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं। बिल्कुल अमरीन जी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और जिस तरीके से ये अहम खबर है और वाकई जुगाड़ की राजनीति तो हो रही है, और जुगाड़ की राजनीति में कहीं ना कहीं अपना देश आगे भी है, क्योंकि यही जुगाड़ और मिलीभगत होती है जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाती है, और सबसे जरूरी तो सत्ता होती है। जी बिल्कुल अर्पिता, हमारे देश में जुगाड़ की राजनीति का ही बड़बोला है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में अमित शाह को अपनी टीम चुनने के लिए हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद अब बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह की टीम में युवा होंगे। शाह ने शुक्रवार को नागपुर में संघ के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। आपको बता दें, बीजेपी की जो नई टीम के गठन है उसमें भावी निर्णयों में हाल में ही संघ से बीजेपी में भेजे गए राम माधव की अहम भूमिका होगी। राम माधव को महासचिव नियुक्त किया जाएगा, जबकि संघ से आए दूसरे प्रमुख नेता शिव प्रसाद को संगठन में संयुक्त मंत्री का पद दिया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर 60 साल से कम उम्र के नेताओं को जगह दी जाएगी। बुजुर्ग नेता संगठन के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाएंगे। शाह की टीम में राज्यों में काम कर रहे आधा दर्जन प्रतिभाशाली युवा नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह दी जाएगी। तो सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अमरिंद न्यूज रूम से हमारे संवाददाता। अमरिंद, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, अब ये जो खबर निकल कर आई है, बात अगर नरेंद्र मोदी की करें तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि युवाओं को तवज्जो दिया जाएगा, और उन्हीं नक्शे कदम पर अब नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल है, ये सरकार संगठन और एक जो संघ, इसे माना जाए तो गलत नहीं होगा। अर्पिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि संगठन को हमेशा से संघ ने एक निर्देश दिया है, क्योंकि वो संगठन जो है बीजेपी जो अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, जो बीजेपी की तौर पे काम कर रहा है, राजनीति में काम कर रहा है, तो संघ से जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन करना बीजेपी का कर्तव्य होता है, बीजेपी उसको करती आई है। अगर हम बात करें जिस तरह से, देखिए मोदी की बात करें, मोदी आज की डेट में हमारे पीएम है, लेकिन मोदी जो है पहली पसंद से आरएसएस के बहुत सारे नाम उभर के आ रहे थे, लेकिन आरएसएस ने जिस पे मोहर लगाई उनको पीएम कैंडिडेट बनाया गया और आज वो पीएम है। तो आरएसएस का निर्देश बहुत अहम होता है, और चूंकि अमित शाह पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के बाद वो स्वयं मोहन भागवत के पास पहुंचे, नागपुर में जाकर उन्होंने मुलाकात की, और नागपुर में मुलाकात करने के दौरान उनको दो बड़े नसीहत या दो बड़े गाइडलाइन जिसे कह सकते हैं वो दिए आरएसएस प्रमुख ने। मोहन भागवत ने, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि उन्होंने जुगाड़ की राजनीति से परहेज करने की बात कही, दूसरी उनकी ताकत बढ़ाने के लिए युवाओं को जोड़ने की बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, आप युवा हैं और आपकी टीम में युवा लोग होने चाहिए। उन्होंने एक ये भी गाइडलाइन दे दिया कि 60 साल से जो ऊपर लोग हैं, उपाध्यक्ष के बाद 60 साल से ऊपर के लोगों को आप मार्गदर्शक तौर पर रखिए, वो लोग पार्टी को निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, लेकिन 60 साल के जो युवा लोग हैं, जो 60 साल के युवा वर्ग है, उनको आप अपने संगठन में रखिए। इसमें उन्होंने एक चीज और कही है, मैं आपको बता दूं अर्पिता, बहुत अहम बात कही है मोहन भागवत जी ने कही है कि आप राज्यों से करीब 2 दर्जन लोग लेके आइए और अपनी टीम में रखिए। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है संघ की तरफ से कि युवाओं को जो तरजीह दी जा रही है या युवाओं को जो बढ़ाने की बात बीजेपी कहती आ रही है, संघ ने भी उस पर मोहर लगा दी है, और ये निर्देश कहीं ना कहीं बहुत अहम है। इसमें एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही आरएसएस ने कुछ लोगों को संघ में भेजा था, जिसमें बहुत बड़ा नाम था राम माधव जी का। राम माधव, मैं आपको बता दूं, वो चेहरा है जो आरएसएस की तरफ से लीड करता आया है, आरएसएस के प्रवक्ता रहे हैं, और कई मुद्दों पे आरएसएस के स्टैंड को, बीजेपी के स्टैंड को सामने आके मीडिया के सामने उन्होंने रखा है। तो बहुत सुलझा हुआ नाम है मोहन भागवत जी ने जो निर्देश दिए थे उसके आधार पर राम माधव बहुत बड़ा नाम है, और राम माधव जी के बीजेपी में आने के बाद
कहीं ना कहीं ये बात बताई जा रही है कि उनको एक बहुत अहम पद दिया जा रहा है और उसके साथ दिनेश जी हैं ऑलरेडी बीजेपी में है, तो कई और नाम जो संघ से जुड़ के आए हैं उनको भी तरजीह दी जा रही है। लेकिन राज्यों जिस तरीके से आपने कहा राम माधव नाम को बहुत तरजीह दी जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी जरूरी खड़ा हो जाता है, अगर हम बात करें मोहन भागवत की, जिस तरीके से अच्छे ताल्लुक नरेंद्र मोदी से रहे हैं, राम माधव एक उभरता नाम संघ में दिख रहा था जिसको अब बीजेपी में डाल दिया गया है, तो उसको क्या प्रमोशन माना जाए या डिमोशन माना जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब जो एक छत्र राज हो गया मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अर्पिता देखिए, मैं बहुत क्लियर तस्वीर आपके सामने रखता हूं कि संघ और बीजेपी ये दो पहलू हैं। संघ एक मेन ब्रांच जिसे कह सकते हैं, आरएसएस मेन ब्रांच है, उसकी आनुषंगी संगठन जिसे राजनीति में काम करने के लिए भेजा गया है वो बीजेपी है। तो संघ समय समय पे आरएसएस के जो स्वयंसेवक लोग हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता लोग हैं और जो आरएसएस अधिकारी हैं, उनको बीजेपी में भेजता रहा है। बीजेपी में भेजने के पीछे उनका जो मोटिव रहता है, उनका जो मकसद रहता है कि पार्टी की उथल पुथल को वो संघ का व्यक्ति जाके कंट्रोल करता है। इससे पहले रामलाल जी बीजेपी का वो आज की डेट में नाम है जो कि संघ के बहुत बड़े नेता रहे, कई प्रांत में प्रचारक रहे, लेकिन आज रामलाल जी की एक बहुत बहुत अहम पकड़ है। और मैं आपको बता दूं, मोदी और आडवाणी जी की जब बात चल रही थी तो रामलाल जी की पसंद मोदी थे क्योंकि वो आरएसएस से आए हुए थे। तो आरएसएस का बहुत बड़ा पैठ रहा है बीजेपी में और सिर्फ मुद्दों को सुलझाने के लिए और निर्देश देने के लिए आरएसएस स्वयं आ गया है। रही बात राम माधव की, तो राम माधव मैंने बताया कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समय समय पर मीडिया के सामने संघ को लेके या बीजेपी के मुद्दों को लेके सामने आए हैं। तो राम माधव का प्रमोशन या डिमोशन की बात नहीं करेंगे, जो चीजें बन के आ रही है, जो तस्वीर सामने आ रही है, युवाओं की बात जोड़ने की बात आ रही है, तो राम माधव खुद युवा है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, तो उनको आगे लाके मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए संघ का वहां पे हमारा योगदान है, संघ के व्यक्ति का वहां पे प्रतिनिधित्व है और वहां पे कोई भी चीज अगर बिगड़ेगी तो संघ के लोग वहां ऑलरेडी मौजूद है जो कि उसको साथ सकते हैं। और युवाओं को समेटने की बात की गई है जो ऑलरेडी बीजेपी ने पहले से कही है, पीएम बनने के बाद मोदी कहते आ रहे हैं और पहले से भी कहते आ रहे हैं कि युवा को हम आगे लेके चलेंगे, तो ये उसी की ओर संकेत माना जा सकता है, इसमें प्रमोशन और डिमोशन की बात नहीं कही जा सकती। जी अमीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने